नगर देवबंद के एसडीएम कोर्ट में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने किसान बचाओ खेती बचाओ महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द से जल्द कराने और एमएसपी पर कानून बनाने तथा दिल्ली आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीदों का दर्जा देने तथा शहीद परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने की बात करते हुए संजीव तोमर ने मीडिया को बताया कि देश में किसान दुखी है तथा दिन प्रतिदिन शोषण का शिकार हो रहा है। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देवबंद से अफजल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने देवबंद एसडीएम कोर्ट में पंचायत का आयोजन किया है। पंचायत का आयोजन करने का कारण ये है, जो अभी सरकार ने तीन काले कानून पारित किए हैं वो किसान हित में नहीं है और भारतीय किसान यूनियन तोमर उसका 22 सितंबर से फुल पुरजोर विरोध कर रहा है और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे पुरजोर विरोध इसका चलता रहेगा। दूसरा, हमने आज पंचायत में बात रखी जाएगी कि जो गन्ने का भाव हो 450 रुपये क्विंटल हो और अभी तक जो गन्ने का बकाया भुगतान है वो जल्द से जल्द में ब्याज सहित कराया जाए। डीजल और बिजली के जो रेट बढ़े हैं वे सस्ते कराए जाएँ, इसलिए आज यहाँ पर पंचायत का आयोजन किया गया है। देखिए, हमारा वहाँ पर काफ़ी किसान संगठन धरना प्रदर्शन चला रही हैं और किसान का जो चीज़ इन्होंने पारित है किसान हित में नहीं है। हमारा तो धरना प्रदर्शन का अधिकार है, बाकी सरकार की इच्छा है वो करे ना करे, हम तो जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे धरना प्रदर्शन इसी तरीके से चलाते रहेंगे।